हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जैनब खान, योर जीके टीचर। स्टूडेंट, आपका पेज नंबर 20 है, जिस पर आपको क्या दिया गया है, स्पोर्ट्स जीनियस। स्पोर्ट्स आर द सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। खेल या स्पोर्ट्स इंजॉयमेंट का एक सोर्स है या जरिया है। दे प्रोवाइड रिलीफ एंड अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन इन अ लाइफ ऑफ मॉन्टनी ऑफ रूटीन। यह हमारी बिजी लाइफ में हमें सुकून देता है। इट ऑल्सो एनकरेज द ग्रोथ ऑफ टीम स्पिरिट। ये टीम की भावना को भी प्रोत्साहित करता है, या ग्रुप वर्किंग को। बिसाइड क्रिकेट, इंडिया प्रोड्यूस चैंपियंस इन अदर स्पोर्ट्स टू। क्रिकेट के अलावा इंडिया ने और दूसरे खेलों को भी चैंपियन दिए हैं। टेक अ लुक एट सम ऑफ देम। उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ध्यानचंद फील्ड हॉकी, यानी कि ध्यानचंद जो थे वो हॉकी से रिलेटेड थे, हॉकी गेम से। पॉपुलरली नोन एज द विजर्ड, ध्यानचंद वॉज आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर स्पोर्ट ऑफ फील्ड हॉकी हैज एवर सीन। ध्यानचंद एक जादूगर के रूप में माने जाते हैं, जो एक निश्चित रूप से हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी थे। ऑल्दो एवरी ईयर इंडिया सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 29 अगस्त एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। हालांकि हर साल इंडियंस उनके जन्मदिन को, यानी कि 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यानचंद इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज थ्रीपीट ऑफ गोल्ड मेडल्स एट द ओलंपिक इन 1928, 1932 एंड 1936। ध्यानचंद अपने इन तीन गोल्ड मेडल्स के लिए याद किए जाते हैं, जो कि उन्हें कब मिले थे, 1928, 1932 और 1936 में। चंद स्कोर्ड मोर देन 400 गोल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरियर। इन्होंने अपने कैरियर में 400 से ज़्यादा गोल किए। ऑफिशियली बिडिंग गुड बाय टू द गेम इन 1948 और 1948 में इन्होंने खेलों से अलविदा कहा। ठीक है, देखिए, अभिनव बिंद्रा, जो कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, शूटिंग से, विद द सिल्वर विनिंग अवार्ड ऑफ राज्यवर्धन सिंह राठौर ड्यूरिंग द प्रीवियस ओलंपिक्स बीइंग हिज इंस्पिरेशन, इट वाज फॉर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा के लिए राज्यवर्धन राठौर के सिल्वर विनिंग अवार्ड्स ने बहुत वर्क किया, या उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। हु वॉन द गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक। जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द येलो मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट। जिन्होंने एक येलो मेडल जीतने के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व किया, यानी कि लीडरशिप की। ठीक है, चलिए देखिए अब ये मीका सिंह एथलीट। द फ्लाइंग सिंह, मीका सिंह वॉज प्रॉबली इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स सुपर हीरो पोस्ट इंडिपेंडेंस। फ्लाइंग सिंह यानी कि मीका सिंह शायद भारत के पहले स्पोर्ट्स सुपर हीरो थे। अ विनर ऑफ 4 गोल्ड मेडल्स इन द एशियन गेम्स, द रेस फॉर विच सिंह इज बेस्ट रिमेम्बर्ड इज हिज 4th प्लेस फोटो फिनिश एट द 1960 रोम ओलंपिक्स। एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल्स के विनर, जिसके लिए सिंह को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, और साथ ही 1960 में रोम ओलंपिक में उनका 4th स्थान रहा है, यानी कि वो 4th प्लेस पर रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए, नीचे दिया गया है सुशील कुमार, जो कि किससे रिलेट है, किस फील्ड से रिलेटेड है, रेसलिंग से। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके बारे में आप खुद भी पढ़ेंगे और मुझे एक्सप्लेन कर इसकी ऑडियो सेंड करेंगे। थैंक यू।